दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपना एडसेंस का सीपीसी इंक्रीज कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सीपीसी इंक्रीज करने का मैं 7 तरीका बताने वाला हूँ, जिसको अगर सही से अब ही आप अपना एडसेंस का सीपीसी इंक्रीज कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं। सो नंबर 1 जो तरीका है वो है आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड। दोस्तों, अगर आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड खराब है तो इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट में हाई सीपीसी वाला एड्स तो शो नहीं होगा, तो सीपीसी कैसे अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ही आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हाई सीपीसी चाहते हो। तो आपका सर्वर को आपको इम्प्रूव करना होगा, वेबसाइट का लोडिंग स्पीड के ऊपर काम करना होगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे जीटी मैट्रिक्स पे आके अपना वेबसाइट का लोडिंग स्पीड चेक कर लीजिए। अगर लोडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज किया जाए उसके ऊपर ऑलरेडी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा, उसको आप चेकआउट कर। नंबर 2, थीम। वेबसाइट का थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडसेंस का एड शो होने में। अगर आप ऐसा थीम यूज कर रहे हो जिसमें एड प्लेसमेंट का सही से जगह ही नहीं है, जहां पे एड सही से शो ही नहीं हो रहा है, उस तरीके का अगर थीम यूज करते हो तो उसको बदलो। आप एक अच्छा सा थीम यूज करो। अगर आप वर्डप्रेस में हो तो इसके लिए मैं कुछ थीम रिकमेंड, एक थीम का वीडियो बनाए थे उसमें मैं कुछ थीम रिकमेंड किया था, उसी थीम को अगर यूज करोगे तो आपको सीपीसी अच्छा मिलेगा। और मैं उसको टेस्ट करके ही रिकमेंड किया था। एंड अगर ब्लॉगर पे हो उसका भी मैं एक आर्टिकल बना के रखा, उसमें जो थीम है उसको ट्राई करो इम्प्लीमेंट। ऐसा थीम यूज करो जहां पे आपको एड प्लेसमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब थीम एडसेंस फ्रेंडली हो, एड सही से शो होगा तभी आपको अच्छा सीपीसी मिलेगा। नंबर 3, टारगेट हाई सीपीसी। अगर आपके वेबसाइट कुछ ऐसा नीच में है कि जिसमें आपको सीपीसी अच्छा नहीं मिलता है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको हाई सीपीसी कीवर्ड में कीवर्ड को टारगेट करना है। हाई सीपीसी कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो उबेर सजेस्ट में, जिसमें कि आपको 3 बार, मतलब दिन में 3 कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो फ्री में। उसको भी ट्राई कर सकते हो, फ्री एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज कर सकते हो। तो अब कोई भी एक कीवर्ड रिसर्च टूल को ढूंढो एंड उसमें हाई सीपीसी कीवर्ड को कीवर्ड पे कुछ आर्टिकल अपना वेबसाइट में रखो। एटलीस्ट 10-15 आर्टिकल रेगुलरली पोस्ट करो, उसके बाद आप देखना आपका सीपीसी कैसे बूस्ट होता है। ऑब्वियसली उसमें ट्रैफिक आपको लाना होगा थोड़ा। तो कैसे लाओगे? जो आर्टिकल आपका वायरल हो गया या तो जिस आर्टिकल पे आपका अच्छा खासा व्यू आ रहा है उसमें क्या करो, इंटरलिंकिंग करो। जैसे कि यहाँ पे इंटरलिंकिंग होता है ना रीड मोर करके, तो ये ऐसे रीड मोर करके लगाओ एंड जो आर्टिकल आपका वायरल है उसमें लगाओ ऐसे करके, एंड जिसमें आप हाई सीपीसी आर्टिकल को डालो, तो इससे क्या होगा, आपका सीपीसी इंप्रूव होना ही है, बिल्कुल होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्राफिक क्वालिटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले रहे हो, डायरेक्ट ट्रैफिक, तो आपको सीपीसी उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मिलता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक से क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड पे ट्रैफिक आता है एंड उस कीवर्ड का एक वैल्यू होता है। वगैरह इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी आप पोस्ट अपना ब्लॉग पे लिखते हो, उसमें अगर कोई भी ऐसा कीवर्ड, इंश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, इसमें अगर कोई भी कीवर्ड से अगर सर्च से आपका वेबसाइट में आता है तो आपको हाई सीपीसी मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो सोशल मीडिया ट्रैफिक में आपको उतना बढ़िया सीपीसी नहीं मिलने वाला है। सो ट्राई टू इंक्रीज योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर अच्छा आएगा तभी आपका सीपीसी इंक्रीज होगा। सोशल ट्रैफिक से कैसे इंक्रीज होगा वो भी मैं बता देता हूं। सोशल ट्रैफिक अगर आता है तो सोशल ट्रैफिक को ऐसे डिराइव करो कि बाहर की कंट्री, यूएस, यूके का अगर ट्रैफिक लाते हो सोशल से भी, तो भी अच्छा सीपीसी आपको मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट हाई सीपीसी कंट्री। यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, ये सब जो कंट्री है इसमें आपको बढ़िया सीपीसी मिलेगा। तो इस ए जो कंट्री है, जब कीवर्ड रिसर्च कर ये सब कंट्री को अगर टारगेट करते हो तो आपको अच्छा सीपीसी मिलने से रहा, आपको मिलेगा ही अगर वहां से अगर व्यू आता है। तो मीडिया नेटवर्क से अगर व्यू ले रहे हो तो उसी कंट्री का व्यू लो जो टॉप टायर कंट्री है, यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर। जर्मनी से भी ले सकते हो, जर्मनी का भी सीपीसी आजकल बहुत ही तगड़ा मिल रहा है, कनाडा का भी सीपीसी बढ़िया मिल रहा है। तो इस कंट्री से आप लोग टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एड प्लेसमेंट अगर सही से करोगे तभी आपको हाई सीपीसी मिलने वाला है। प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हेडर में प्लेस करो एंड बहुत सारा एड एक पेज में प्लेस मत करो, तभी आपको सीपीसी सही मिलेगा। ये जो एड प्लेसमेंट है ये हम खुद नहीं बता सकते हैं कि आपके ब्लॉग में कैसे प्लेस किया जाएगा, मगर एक आइडिया आपको करना होगा, आपको एड प्लेस करके देखना होगा आपके ब्लॉग में कहां पे सही से आपको सीपीसी वगैरह मिल रहा है, कहां पे एड प्लेस करने में आपको अच्छा सीपीसी मिल रहा है। सो बेटर यही है कि मतलब इन जनरल मैं जो देखा कि हेडर सेक्शन का जो एड होता है वो हाई बिडिंग एड होता है एंड उसमें सीपीसी बढ़िया मिलता है, तो उस पर अगर क्लिक आता है तो काफी आपको सीपीसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जो भी कैशे प्लगइन आप यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं देखो यहाँ पे WP Rocky कैशे प्लगइन आप यूज करते हो, उसको आपको सही से मतलब यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो कैशे प्लगइन में फाइल ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन है, WP Rocket मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे जो फाइल ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन है यहाँ पे देखो CSS मिनीफाई करके रखा मैं, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी करके रखा एंड यहाँ पे देखो अनयूजुअल CSS को रिमूव करके रखा। उसके बाद देखो मिनीफाई जावा स्क्रिप्ट फाइल्स, इसको मिनीफाई करके रखा, इसको कंबाइन बिल्कुल ही मत करो, कंबाइन करने से मैं देखा मेरे केस में नहीं मिलता है एंड वेबसाइट का थोड़ा इश्यूज वगैरह भी आ जाता है। आप अपना वेबसाइट का थीम के अब ये डिपेंड करता है आपका वेबसाइट का थीम एंड जो आप होस्टिंग यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कंबाइन वाला बिल्कुल ही मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई कर सकते हो मगर कंबाइन बिल्कुल ही मत करो एंड जो लोड जावास्क्रिप्ट डेफर्ड, अगर आपको बिल्कुल कम सीपीसी मिल रहा है तब इसको भी अनचेक कर दो। लोड जावास्क्रिप्ट डिफर्ड जो है ये क्या करता है कि आपको आपके वेबसाइट में अब कोई भी विजिटर आता है जब स्क्रॉल करता है तब ही उसको एड शो होता है, तो उसके पहले एड नहीं शो होता है, तो उससे क्या होगा कि मतलब आपका CTR थोड़ा कम हो सकता है तो एंड CPC मिलने का चांसेस भी कम हो सकता है, तो इसमें आप चेक कर लेना एक बार कि इसको ऑफ करके आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो ऑफ करके ही रखो, अगर ऑन करके अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो ऑन करके रखो। मेरे केस में मैं ऑन करके रखता हूं, इसको ऑन करके रखने से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है इसलिए मैं इसको ऑन करके रखा। तो एंड जो आप कैशे प्लगइन यूज करते हो उसको एटलीस्ट दिन में एक बार कैशे को क्लियर कर दो अपना वेबसाइट का, तभी आपको बिल्कुल बढ़िया सा अच्छा क्वालिटी का एड्स अपना वेबसाइट में दिखेगा एंड सही रहेगा, वो आपके वेबसाइट का सीपीसी इंप्रूव भी करेगा, लोडिंग स्पीड को भी ठीक करेगा। तो ये आई होप के अगर आप ये सभी तरीका सही से इंप्लीमेंट करते हो अपना वेबसाइट में तो बिल्कुल ही आपको अच्छा सीपीसी। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।